इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि अगर आप ऑनलाइन गेम खेलते हैं कि आपका पिंग टाइम कितना मिल रहा है, आपका अपलोडिंग स्पीड कितना मिल रहा है, आपका डाउनलोडिंग स्पीड कितना मिल रहा है। अगर आपका राउटर में पिंग टाइम कम मिल रहा है तो हम उस राउटर से पिंग टाइम को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि आपका पिंग टाइम आपके सिस्टम में अपन पिंग टाइम को कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए पिंग टाइम क्या होता है। पिंग टाइम वो होता है कि जैसे मान लीजिए दो नेटवर्किंग डिवाइस है, तो यहाँ पे मैं सर्वर है तो आप सर्वर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो कम्युनिकेट कर रहे हैं और सर्वर आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, तो ये दोनों को कम्युनिकेट करने में जो टाइम लगता है उसे हम पिंग टाइम कहते हैं। और उसके बाद आपको अपलोडिंग स्पीड, जैसे आप डाटा गेम ऑनलाइन गेम में जनरली अपलोडिंग स्पीड काफी अच्छी होनी चाहिए, डाउनलोडिंग स्पीड भी अच्छी जरूरत होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि पिंग कितना मिलना चाहिए जिससे हमारा जो गेम है अच्छे से यूज कर सके। आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर पिंग टाइम मिलता है तो हमारे सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। हाई मिलता है पिंग टाइम तो हाई मिलता है तो मतलब क्या है, ये हमारा सिस्टम के लिए सही नहीं है, बैड है। उसके बाद आप हम हमेशा देखिए 0 to 25 मिल रहा है तो एक्सेलेंट है, आप कोई सा भी गेम बहुत आसानी से इस पे रन कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। उसके बाद इसमें भी मिल जाएगा, मतलब आपको 0 to 100 अगर मिली सेकेंड तक मिल रहा है पिंग टाइम तो इससे आपको गेमिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम देखते हैं कि आपको अपलोडिंग और डाउनलोडिंग स्पीड कितने की जरूरत होती है। सबसे पहले आपको एक चीज ये भी ध्यान रख लीजिएगा कि पिंग टाइम क्या होता है। मान लीजिए जो पिंग का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पैक इंटरनेट पर जब डाटा को सेंड या रिसीव होता है तो डाटा पैकेट के फॉर्म में भेजा जाता है, और इन्हीं डाटा पैकेट को बिना किसी एरर के सेंड या रिसीव करने में जो समय लगता है उसे पिंग कहा जाता है। मान लीजिए कोई सर्वर है, सर्वर से हमने डाटा को रिसीव किया सेंड किया, उसके बीच में जो कम्युनिकेशन टाइम लगता है उसे हम पिंग टाइम कहते हैं। एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए पिंग टाइम बहुत ही कम होना चाहिए। उसके बाद अब हम देखते हैं कि अपलोडिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए। अपलोडिंग स्पीड अगर आपका 10 Mbps, अगर आपने FTTH कनेक्शन लिया है तो 10 Mbps से अगर ज्यादा मिल रहा है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से यूज कर पाएंगे, आपको डाउनलोड है। और उसके बाद आपको 3 to 10 मिल रहा है तो भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन जैसे ही आपका 1 Mbps स्पीड का कम होगा वैसे ही आपकी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अपने सर्विस प्रोवाइडर को आप कंप्लेन कर दीजिएगा कि आपका है तो वो लोग चेक कर लेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है जैसे मान लीजिए आप फाइबर कनेक्शन से इंटरनेट लिया है तो फाइबर में लॉस होने के कारण आपका स्पीड कम होने लगता है। उसके बाद सेम ही डाउनलोडिंग स्पीड अगर 5 Mbps से अगर ज्यादा है तो आपको स्पीड काफी अच्छा मिलेगा, आपको गेमिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 2 to 5 में भी चल जाए, 1 to 2 Mbps में भी चल जाता है, क्योंकि गेमिंग में डाउनलोडिंग ज्यादा नहीं होता जितना कि अपलोडिंग होता है। उसके बाद अगर 1 Mbps से कम आने लगा तो आपको गेमिंग में प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि अब हमारा जो पिंग टाइम जो मिल रहा है उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। जो हमारा मान लीजिए जो आपका लैपटॉप है वो लैपटॉप या डेस्कटॉप है वो किसी राउटर के साथ या मॉडम के साथ FTTH ONT के साथ कनेक्टेड है, तो हम कैसे इसके पिंग टाइम को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहला है कि अगर जिस लैपटॉप या डेस्कटॉप से आप गेम खेल रहे हैं उसमें बहुत सारे प्रोग्राम चलता रहता है रैम में, तो उससे क्या होगा कि आपका जो पिंग टाइम होता है वो स्लो कर देता है, इसलिए वो ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण आपका जो पिंग टाइम मिलता है वो बहुत ज्यादा मिलने लगता है। इसलिए आप जब भी गेम वेम खेले आपका जो करंट में जो भी प्रोग्राम चल रहा है वो सबको स्टॉप कर दे। और दूसरी बात, आप हमेशा ध्यान रखिए कि मान लीजिए आपके रूम में कोई राउटर डिवाइस लगा है तो उसके पास से ही आप गेमिंग खेलिए, जिससे क्या होगा कि आपको स्पीड अच्छी मिलने लगी। अगर हो सके तो आप इथरनेट केबल आपका यूज करके आप एक स्टेबल कनेक्शन मिलेगा और वो राउटर से आप डायरेक्ट अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में केबल के थ्रू आप कनेक्ट कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि आपको एक कांस्टेंट स्पीड मिलेगा और उसमें डाटा का लॉसेज भी बहुत कम मिलेगा। उसके बाद आप अगर यूज कर रहे हैं डिवाइसेस मॉडम राउटर इन सब चीज का तो आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि आप नंबर ऑफ जो यूजर है वो बहुत कम होने चाहिए। मान लीजिए अगर आपको खेलना है अच्छी स्पीड से तो आप सिंगल ही यूज कीजिए, और उस समय आप क्या कर सकते हैं अपने वाईफाई को बंद कर दीजिए, आप डायरेक्ट केबल का ही यूज कीजिए, जिससे आपको क्या होगा कि इंटरनेट की स्पीड जो है काफी अच्छी मिलेगी।
अब मैं बताता हूँ कि आपको पिंग टैप में पिंग टेस्ट कैसे करना है। तो ज्यादा मुश्किल नहीं, आपको कंप्यूटर में जाकर सर्च कर लेना है सीएमडी, उसके बाद जैसे मेरा अभी आईपी है 192.168.1.1, जैसे ही आप इंटर करिएगा आपका पिंग टेस्ट हो जाएगा, जैसे मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। अभी हमारे पास ये खुल गया है, अब हम इसमें टाइप करते हैं, लिखना है 192.168.1.1। अब देखिए अभी हमारा पिंग टाइम मिलेगा, आप पिंग टाइम देखिए यहाँ पे पिंग टाइम जो मिल रहा है हमारा कितना मिल रहा है, 1 मिली सेकेंड। 1 मिली सेकेंड क्या है, बहुत ही, और मैक्सिमम 2 मिली सेकेंड। इससे हम क्या कर सकते हैं, जो अभी मैं सर्वर यूज कर रहा हूँ मैं कोई सा भी गेम बहुत स्मूथली बहुत अच्छे से यूज कर सकता हूँ। तो आप पे इस प्रकार आप अपना पिंग टाइम भी टेस्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।